ओम शांति। आज है 6 जुलाई 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न, शुरूढ़ बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर, सच्ची यात्रा करना और कराना, यही शुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव, इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे शुरूढ़ बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। प्रश्न, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? उत्तर, बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है, यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फिलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? नहीं, जन्म लिया उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं हैं, एडॉप्ट करते हैं, बच्चे का कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। अब यह तो जानते हो, विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ। गाया भी जाता है जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। सिर्फ बाप की पहचान मिली। जिनके लिए बाप युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। बताओ, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता, वह तो बाप है। बाबा कहते हैं मेरा बनने लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। समझते हैं, बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, वर्षा मिलता है, हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना, पाई भी खर्चा नहीं करो। याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं, तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। तुम कितने धक्के खाते हो। भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। उनमें पंडे भी रहते हैं या कोई धर्माओ पुरुष धक्के खिलाते हैं। पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह बाप तो समझाते बहुत हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाएं। सिर्फ बाबा की मुरली सुना, फिर जाकर सुनाया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकालें? बाबा जैसे युक्ति बतलाते हैं, वह कोई अर्जुन अमल में नहीं लाया है।
कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतत पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है कि बाबा इस धंधे में मैं लग गया हूँ, फलाने फलाने से पूछा है वह क्या कहते हैं, कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते हैं। बाबा से तुम एक सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर यह पहेली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं। प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हों जो कहाँ भी भेज सकें। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं, तुम लिख भी सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो यह पहेली हल करो। इसे हल करने से एक सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं, कोई बुद्धिवान बच्चा हो जो ठीक रीति लिखकर आवे और अच्छा छपाकर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है, बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे न लगावे। बाबा युक्तियां बहुत अच्छी बताते हैं, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, यह सिर्फ गाते रहते हैं, कोई को पता नहीं। भल अष्टापा गीता में है परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते, दंत कथाएं हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो और किसी के समझ है नहीं। समझदार है तो एक गॉडफादर, बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है। पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं है, यह तो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है, पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है, लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन बंद का। यह एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य, अब तो यह ईश्वर बाप है, कहते भी है ना हेवनली गॉडफादर, तो उससे ही हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहा ही जाता है नई दुनिया को, पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने रखा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा, मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, कार्ड में भी यह अक्षर डालने हैं। यह एक ही पहेली हल करो तो एक सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है, बस स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे ना, स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना। ज्ञान से फिर आपे ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं, बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो, माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, सब फादर कहते हो ना, बाप आत्माओं से बात करते हैं, अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो। इन लड़कों आत्माओं से बात करता हूँ ब्रह्मा शरीर द्वारा, ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे का, स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है, सतगुरु तो है ही एक, यह ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं ऐसा होता नहीं है। सतगुरु एक ही है, हम सब उनसे सीख कर सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्वस बहुत कर सकते हैं,
बहुत चांस है। मंदिरों आदि में भी यह कार्ड ले जाकर समझा सकते हो, कोई काम करके दिखावे। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ा ही इजी है। बाबा जांच करते रहते हैं, देखें कहां से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से यह प्रश्न पूछा। एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, यह कोई बड़ी बात थोड़े ही है। बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्से को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिक होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन्हों को छुड़ाएं कैसे। इसमें युक्तियां बहुत चाहिए। कितनी बच्चियां घर बैठे लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। लिखती हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहेंगे। मार भी खाती रहती हैं। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती हैं। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी यह सर्विस नहीं करते हो। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छवा सकते हो। काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़े ही देते हैं। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए। तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो क्या कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है। तुम एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल जो बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छपा कर दिखावें। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो कितने दुखी होते हैं, कितने तो यात्रा में बीच से ही लौट आते हैं। गरीब बिचारे बहुत भटकते हैं, उन बिचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉडफादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए, यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े हो, यह कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह के घर जाने के लिए वहां से ही तुम आए हो। अब आप को याद करो, नन बट वन, नंस को ही समझाना पड़े। तुमको याद करना है गॉड को, क्राइस्ट ने भी उनको याद किया है। समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को करना है। शरीर तो छूटेगा ही, तुमको याद उनको करना है। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनना है, देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, दुनिया में तो एक दो को दुखी करते रहते हैं। यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी। अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। मन मना भव का अर्थ ही यह है, बाकी तो सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने लिए घूमना पड़ता है, धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी ना पड़े। मन मना भव, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए, बड़ी समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1,
हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी, इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। नंबर 2, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं, जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मदगन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शिव बाबा की मुरली रोज आपके पास पहुंचे। ओम शांति।